गौ सेवा परिवार का प्रारंभ कोलकाता के कुछ गौ भक्तों द्वारा नवंबर 2014 में एक भव्य गो भक्ति सत्संग से हुआ। गौ माता पर ऐसा विराट आयोजन कोलकाता शहर में पहली बार हुआ। इसी क्रम में मासिक गो भक्ति सत्संग का आरंभ हुआ, जो आज तक अनवरत चल रहा है। गो सत्संग का उद्देश्य शहर वासियों में गो भक्ति का भाव जगाना और गौ सेवा से जोड़ना है। शहर में गाय के दर्शन संभव न होने के कारण गौ सेवा परिवार ने नियमित गोशाला भ्रमण का आयोजन किया। इससे परिवार के लोगों में, विशेषकर बच्चों में, गौ माता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। गौ ग्रास निकालने की विलुप्त होती परंपरा को बचाए रखने के लिए घर घर से गौ ग्रास संग्रह कर गौशाला पहुँचाना प्रारंभ किया गया। 2016 से 2019 के बीच इस अभियान में 1500 से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और कुल 2,50,000 किलो से अधिक गौग्रास गौशाला पहुंचाया जा चुका है। युवाओं को गौ माता के प्रति आकर्षित करने के लिए 2015 से गोपाष्टमी के अवसर पर सेल्फी विद गौ माता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस अभिनव प्रयोग में प्रतिवर्ष देश विदेश से हजारों लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष आयोजित इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। साथ ही विभिन्न गौशालाओं द्वारा निर्मित पंचगव्य उत्पादों का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप आज कोलकाता के हजार से अधिक परिवारों में गोबर से बनी धूप, गोमूत्र अर्क, गोमूत्र से बनी गोनाइल आदि का उपयोग होने लगा है। समय समय पर गो साहित्य का प्रचार और प्रकाशन भी किया जाता है। अब तक 5 पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। गोवंश का असली घर किसान का घर है। गोबर गोमूत्र की उपयोगिता से अनभिज्ञ किसान गाय को सिर्फ दूध के लिए पालता है और दूध न देने पर उसे कसाई के हाथ बेच देता है। किसान गोवंश को न बेचे, इसके लिए उसको गोबर गोमूत्र की उपयोगिता सिखाने का निर्णय लिया गया। इस कार्य को प्रारंभ करने में हमें गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार, IIT खड़गपुर, विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय कल्याणी एवं कई विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। गौ आधारित ग्राम विकास की पहली बैठक गोपाष्टमी के शुभ दिन 8 नवंबर 2016 को बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर के केशियारी खंड के एक गांव में हुई। गौ आधारित ग्राम विकास योजना के मुख्य रूप से 5 आयाम हैं। पहला, गौ आधारित कृषि। दूसरा, गौ आधारित ऊर्जा। तीसरा, गौ आधारित मानव चिकित्सा। चौथा, गौ एवं कृषि आधारित ग्रामोद्योग। और पांचवा, गौ संवर्धन एवं नस्ल सुधार। शहर के कार्यकर्ताओं के नियमित प्रवास के साथ साथ गांव में पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति भी की गई। सर्वप्रथम 5 गांव से कार्य का प्रारंभ किया गया। प्रत्येक गांव से 5 परिवारों का चयन किया गया। घर घर गोबर गैस प्लांट लगवाए गए। जैविक खेती, गोमूत्र सेवन एवं दैनंदिन कार्यों में गोबर गोमूत्र के उपयोग की विधि सिखाई गई। इन सब के चमत्कारिक परिणाम मिले। मात्र 6 माह में हमें विश्वास हो गया कि यह प्रयोग सब दृष्टि से सफल है। जो किसान एक भी गाय नहीं रखना चाहता था, वो अब 4-4 गोवंश पाल रहा है। प्रयोग की सफलता से प्रेरित होकर इसके विस्तार हेतु प्रशिक्षण वर्गों के माध्यम से कार्यकर्ता निर्माण की योजना बनी। इस विषय को भारत के प्रत्येक गांव तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण वर्ग ही सरलतम एवं शीघ्रतम मार्ग है। पहला 5 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग 1 दिसंबर 2017 को पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पाथोरुढ़ी गांव में आयोजित हुआ। ये वर्ग गांव-गांव जाकर लगाए जाते हैं। इनमें आसपास के 8 से 10 गांव के फार्मर्स क्लब और सेल्फ हेल्प ग्रुप से 2-2 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है। गत 2 वर्षों में कुल 31 वर्ग हुए, जिनमें 450 गांव से 706 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया, जो अपने अपने समूह के अन्य सदस्यों को यह सारा विषय सिखाते हैं। वर्तमान में 5 से अधिक प्रशिक्षण वर्ग प्रतिमाह लग रहे हैं। 300 से अधिक गांव में प्रशिक्षित कार्यकर्ता सक्रिय हैं। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक होती है, जिसमें कार्य प्रगति पर चर्चा होती है। शहर के कार्यकर्ता भी नियमित गांव में जाकर गांव वालों से मिलते हैं और कार्य की समीक्षा करते हैं। कार्य में निरंतर सुधार और विस्तार के उद्देश्य से शहर के कार्यकर्ताओं की भी मासिक चिंतन बैठक होती है। शहर के और लोगों को इस कार्य से जोड़ने के लिए गौ ग्राम यात्राओं का भी नियमित आयोजन किया जाता है।
पिछले 3 वर्षों में 85 किसान परिवारों में गोबर गैस प्लांट लगे। गोबर गैस प्लांट से महिलाओं को साफ सुथरा एवं निशुल्क ईंधन प्राप्त होने लगा। इससे उनके जीवन में सुख का अनुभव होने लगा। बायोगैस की स्लरी का खेती में उपयोग कर किसानों को लाभ होने लगा। 500 से अधिक किसान जैविक खेती करने लगे। जैविक खेती में भी अच्छे परिणाम मिले। किसानों के खर्चे घटे हैं और उनकी आय में वृद्धि हुई है। आय के साथ साथ फसल की गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई है। फसलों में रोग और कीटों का आक्रमण भी कम हुआ है। 3000 से अधिक ग्रामवासी गोमूत्र सेवन कर रोग मुक्त हुए। पेट से संबंधित बीमारियां जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज इत्यादि से छुटकारा मिला। 50 से अधिक मधुमेह रोगी, 100 से अधिक चर्म रोगी, कई धातु एवं एलर्जी रोगी पूर्ण स्वस्थ हुए। कई किसान परिवारों का चिकित्सा पर होने वाला खर्च समाप्त हो गया। गौमूत्र सेवन से लगभग 50 से अधिक लोगों को शराब की लत से मुक्ति मिली। इसके परिणाम स्वरूप देसी शराब बनाने वाला व्यक्ति अब शराब बनाना छोड़ गौ पालन कर गौमूत्र अर्क बना रहा है। अब वह शराब से अधिक आमदनी गौमूत्र अर्क बेचकर कर रहा है। इसके अलावा लगभग 1000 परिवारों ने बर्तन धोने के लिए डिटर्जेंट का उपयोग बंद कर गोमय भस्म का उपयोग शुरू कर दिया है। एक महिला ने अपने अनुभव कथन में कहा कि केमिकल डिटर्जेंट के कारण हाथ में चर्म रोग हो गया था। वो गोमय भस्म के उपयोग से 1 माह में ही बिल्कुल ठीक हो गया। लगभग 1100 परिवारों में खुद से बनाया हुआ गोमय दंत मंजन का उपयोग हो रहा है, जिससे बाजार से मंजन खरीदने का खर्च भी बंद हो गया है। इस वर्ष दीपावली के अवसर पर ग्रामीण महिलाओं ने मात्र 1 माह की प्रस्तुति में 4000 गोबर के दीपक बनाए, जिसे शहरवासियों ने सहर्ष खरीदकर अपने घर आंगन को रोशन किया। किसानों की आय में वृद्धि, मिट्टी और पानी का संरक्षण और गोचर भूमि निर्माण हेतु जुलाई 2019 में गौ सेवा परिवार ने 1000 किसानों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया, जिनके माध्यम से 40,000 से अधिक फलदार वृक्ष लगे। सहजन के आर्थिक एवं पौष्टिक गुणों को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में सहजन के पेड़ लगवाए गए। ग्राम प्रवास के दौरान ग्रामवासियों विशेषकर बच्चों को स्वच्छता के प्रति सचेतन किया जाता है और ग्राम को प्लास्टिक मुक्त करने की दिशा में जागरूक किया जाता है। शवदाह के लिए चिता में लगने वाली लकड़ी के स्थान पर वन एवं पर्यावरण रक्षा हेतु गोबर के कंडों से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आरंभ की गई, जो अनवरत चल रही है। किसान अब दूध नहीं देने वाला गोवंश भी बेचता नहीं है। किसानों को गोबर गौमूत्र की आपूर्ति के लिए अब तक 206 गोवंश दान में दिया गया, जिनमें 175 नर गोवंश हैं जो कभी दूध नहीं देगा। इनमें से 100 नर गोवंश ऐसे हैं जिनको भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF द्वारा तस्करों से छुड़ाया गया था और उनके आश्रय के लिए कोई स्थान नहीं था। आज इनको हमारा प्रशिक्षित किसान केवल गोबर गौमूत्र के लिए बड़े चाव से और प्यार से पाल रहा है। भारत के सभी गांव तक इस योजना को पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षकों को तैयार करने के उद्देश्य से गायत्री परिवार शक्तिपीठ बैंडल में एक स्थायी प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण के सभी विषयों का संकलन एक पुस्तक के रूप में हिंदी एवं बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया गया है। इस योजना का अंतिम लक्ष्य है कि देश के सभी 6,26,000 गांव सुख, शांति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ें और साथ ही हमारे देश का गौवंश भी सुरक्षित रहे। इस कार्य में कई प्रमुख संस्थाओं का सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है। इनमें गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र, गायत्री परिवार, वनवासी कल्याण आश्रम, सूर्या फाउंडेशन, इस्कॉन, आर्ट ऑफ लिविंग उल्लेखनीय है। गाय बचेगी तो किसान बचेगा, किसान बचेगा तो गांव बचेंगे, गांव बचेंगे तो भारत बचेगा, और भारत बचेगा तो विश्व बचेगा।